हेलो फ्रेंड्स, कुकी ट्रिपीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे हो या बड़े, चाट का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है। चाट तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो चटपटी और टेस्टी तो है ही, साथ ही बहुत ही हेल्दी भी है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ होटल स्टाइल पीनट चाट की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 2 चम्मच तेल में और जो बनकर तैयार हो जाएगी मिनटों में। तो अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल स्टाइल मूंगफली चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कच्ची वाली मूंगफली ली है। फ्रेंड्स, ये 200 ग्राम मूंगफली है। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे। फ्रेंड्स, फ्लेम को हमें यहाँ पर लो ही रखना है। अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून डाल दिया, ये 2 टेबलस्पून डाल दिया। फिर ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं, फिर इसमें मूंगफली डाल देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, अब इसमें मूंगफली डाल देंगे। फ्रेंड्स, फ्लेम को हमें यहाँ पे लो ही रखना है, हाई फ्लेम में इसे मूंगफली को हम नहीं भूनेंगे। अगर हाई फ्लेम में भूनेंगे तो मूंगफली ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। फ्रेंड, होटल में जब मूंगफली चाट बनाई जाती है तो पहले मूंगफली को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन आज हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे इसलिए मूंगफली को डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस 2 चम्मच तेल में इसे हम फ्राई करेंगे। अब इसे लो फ्लेम में हम चलाते हुए अच्छे से मूंगफली को भून लेंगे जब तक ये एकदम क्रिस्प ना हो जाए। फ्रेंड, मूंगफली चाट बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद है। आप इसे ऐसे भूनकर ठंडी होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए स्टोर करके, और जब आपको मूंगफली चाट खाने का मन करे आप तुरंत इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली भूनने लग गई है। ये देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। इसे थोड़ी सी देर और भून लेते हैं ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, मूंगफली की चटकने की आवाज भी आने लग गई है। ये देखिए मूंगफली के छिलके भी उतरने लग गए, इसके मतलब हमारी मूंगफली अच्छे से भून गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी मूंगफली अच्छे से भून गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड, मूंगफली को मैंने एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है। अब मूंगफली को हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड, मूंगफली चाट को अगर आप मूंगफली के छिलके हटाकर बनाना चाहते हैं तो जब मूंगफली अच्छे से ठंडी हो जाए तो आप इसके छिलके हटा लीजिएगा। फ्रेंड, ठंडी होने के बाद इसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। ये देखिए इस तरह से उतार लीजिएगा, लेकिन क्योंकि आज मैं मूंगफली चाट होटल स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ मूंगफली के छिलके नहीं हटा रही हूँ। मूंगफली चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है। मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। ये यहाँ पे मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, खीरा का मैंने यहाँ पे छिलका नहीं उतारा है, आप चाहें तो यहाँ पे छिलका उतार सकते हैं। खीरा को मैंने थोड़े से बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे 3 चम्मच। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पे एक क्विक टिप, टमाटर को हमें यहाँ पे डीसीड करके लेना है। हम इसके बीज को यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि अगर हम इसमें मूंगफली चाट में बीज को डालेंगे तो हमारी मूंगफली चाट का जो क्रंच है वो खत्म हो जाएगा और मूंगफली चाट सौगी हो जाएगी। इस तरह से हम टमाटर को डीसीड करके टमाटर को बारीक चॉप कर लेंगे। इसको भी हम 3 चम्मच डाल देंगे। फ्रेंड, यहाँ पे मैं जो भी चीजें डाल रही हूँ वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिए, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती लिए, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसे भी इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, यहाँ पे 1 टीस्पून मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, ये मैं 1/2 टीस्पून डाली हूँ। इससे एक तो कलर अच्छा आएगा और ये तीखी भी कम होती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं काला नमक ले रही हूँ, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड ये जरूर डालिएगा, इससे मूंगफली चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं सादा नमक ले रही हूँ, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फ्रेंड, अगर आप इस मूंगफली चाट को व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे प्याज को स्किप कर दीजिएगा और सिर्फ काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक डालिएगा, तब इसे आप व्रत में आसानी से खा सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, यहाँ पे एक जरूरी टिप, मूंगफली को आप पहले मत डालिएगा, पहले सारी चीजों को एकदम रेडी कर लीजिएगा, इस तरह से सारी मिला लीजिएगा और टमाटर को डीसीड करके लीजिएगा
और मूंगफली को एकदम लास्ट में डालिएगा। जब आपको सर्व करना हो तब आप मूंगफली को डालिएगा। ये इसको आप रेडी करके रख दीजिए और जब आपको सर्व करना तब उसमें मूंगफली मिला दीजिए, उससे उसका क्रंच खत्म नहीं होगा। मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है फ्रेंड्स। हमने जो मूंगफली फ्राई की थी वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड मूंगफली में प्रोटीन बहुत होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे खीरा डाला है। खीरे में पानी बहुत होता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिला दिया है, हमारी मूंगफली चाट बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए अब मूंगफली चाट को हम सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है होटल स्टाइल मूंगफली चाट। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।